हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम। मैं आज आपको कोरल ड्रॉ 11 के अंदर लेआउट के थ्री इम्पोर्टेंट ऑप्शंस बताऊंगा। तीन ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा, स्विच पेज ओरिएंटेशन, पेज सेटअप एंड पेज बैकग्राउंड। और पहले के ट्यूटोरियल्स अगर आपने नहीं देखा है तो काइंडली आप उसे देखें। ये इंसर्ट पेज, ये सब मैंने ऑप्शन पहले के ट्यूटोरियल्स में मैंने बताया है। आज मैं आपको बता रहा हूँ स्विच पेज ओरिएंटेशन, पेज सेटअप एंड पेज बैकग्राउंड कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। तो जैसे ही बाय डिफॉल्ट जैसे हम ओपन करेंगे कोरल ड्रॉ, तो पहला पेज जो है ये सिंगल पेज आता है। अब आप लेआउट में जाएं, यहाँ पे देखें स्विच पेज ओरिएंटेशन। इसका मतलब होता है, सपोज आपका अगर टॉल पेज है, टॉल पेज कहने का मतलब पोर्ट्रेट पेज है, लंबा पेज को पोर्ट्रेट बोलते हैं और चौड़ा पेज को हम लैंडस्केप बोलते हैं। सपोज आपको चौड़ा पेज चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें। अभी देखिए ये लंबा पोर्ट्रेट पेज है, आप यहाँ पे स्विच पेज ओरिएंटेशन पे क्लिक करेंगे तो पेज आपका क्या होगा, चौड़ा पेज हो जाएगा, लैंडस्केप में कन्वर्ट हो जाएगा। सपोज आप कोई ड्राइंग बना रहे हैं, सपोज आप कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पेज का, इस ऑप्शन का, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सपोज आप कोई डिजाइन बनाया है, अचानक आप बोला गया कि नहीं मुझे लंबे पेज में निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कैसे पेज को डायरेक्टली आप कन्वर्ट करेंगे, नया लेने के लिए आपको दिक्कत हो जाएगा पेज, तो उसके लिए क्या करेंगे, आप लेआउट में जाएं, यहाँ पे स्विच पेज ओरिएंटेशन में क्लिक करेंगे तो ये चौड़ा पेज अभी लंबा पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। स्विच एक पेज से दूसरे, लंबे से चौड़े और चौड़ा से लंबे पेज में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए लंबे पेज में मेरा ये ड्राइंग आ गया। इसका इस तरह उपयोग कर सकते हैं, या आप यहाँ से भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। जब नया पेज लेते हैं तो आप यहाँ से भी, यहाँ से देखेंगे, ये देखिए यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से भी इस मेनू है आपका, या पेज नीचे का जो मेनू है, यहाँ से भी आप पेज को लंबे पेज से आप चौड़ा पेज में आ सकते हैं, या लेआउट में जाके आप स्विच पेज ओरिएंटेशन से भी कर सकते हैं। सपोज आप पेज सेटअप में जाते हैं, पेज सेटअप का मतलब आप समझ में जनरली हर कोई समझ जाता है। पेज सेटअप मतलब पेज का फॉर्मेट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे देखें आप पोर्ट्रेट में लंबा पेज लेना है, लैंडस्केप लेना है, पेपर जो साइज लेना है, आप यहाँ से आप चेंज साइज, आप A4 में काम करना है A4 चूज कीजिए। यहाँ पे मेजरमेंट मिलीमीटर में लेना है या इंचेस में लेना है, आप यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, सेंटीमीटर, इंचेस, जो जिस फॉर्मेट में आपको चाहिए, जिस साइज में आप काम करना चाहते हैं चूज करें, फिर ओके क्लिक कर दें। यहाँ पे ये देखिए चेंज हो गया पेज। दूसरा ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, पेज बैकग्राउंड। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हम पेज पेज का बैकग्राउंड अगर चेंज करना है तो कैसे काम करेंगे, तो पेज बैकग्राउंड पे क्लिक करें आप। यहाँ पे देखें नो बैकग्राउंड, अभी कोई बैकग्राउंड नहीं है, सॉलिड पे चूज करें। अगर कलर करना है पेज का, बैकग्राउंड को कलर करना है, तो सॉलिड में क्लिक करें और यहाँ से एक इस पे क्लिक करें। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, जैसे मैंने ये कलर चूज किया, अभी ये ओके कर दें। ये देखिए पेज का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। अगेन मैं दिखाता हूँ, लेआउट में जाएं, पेज बैकग्राउंड में आए, करने के बाद यहाँ पे अगर दूसरा कुछ कलर अदर्स में जाएं, यहाँ पे आप कलर बना भी सकते हैं आप अपने हिसाब से, यहाँ से आप चूज कर लें, ओके कर दें। ये देखो ब्लू हो गया, आप यहाँ से भी एक्स्ट्रा कलर तैयार कर सकते हैं। फिर लेआउट में जाएं, पेज बैकग्राउंड में आए, सपोज आपको पिक्चर डालना है और बैकग्राउंड में चाहते हैं कि नहीं पिक्चर डालना है, तो बिट मैप में क्लिक करें। यहाँ पर ऑप्शन है ब्राउज, ब्राउज में जाएं और यहाँ से जिस ड्राइव में, इंपोर्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, जिस ड्राइव में आपने फोटो रखा हुआ है, लुक इन में जाएं, यहाँ पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जिस ड्राइव में आपने फोटो रखा है वो चूज, ड्राइव चूज करें। डेस्कटॉप पे मेरा फोटो है, देखने के लिए आप थंबनेल्स कर सकते हैं। यहाँ से आप इसको स्क्रॉल करता हूँ मैं और चूज करता हूँ जो फोटो मैं बैकग्राउंड में डालना है मुझे। यहाँ से एक फोटो है ये वाला, इसको मैंने क्लिक किया। उसके बाद प्रीव्यू करके देख भी सकते हैं, इस जगह दिखेगा भी, प्रीव्यू का बटन एक्टिवेट नहीं है, कर दें। उसके बाद इंपोर्ट कर दें, फिर ओके कर दें। करने के बाद ये देख सकते हैं आप, मेरा पेज का बैकग्राउंड के अंदर फोटो आ गया। अब सपोज ये बैकग्राउंड आपको, ये फोटो हटाना नहीं चाहिए, बैकग्राउंड पहले की तरह चाहिए, तो आप लेआउट में जाएं, लेआउट में जाने के बाद पेज बैकग्राउंड पे क्लिक करें, उसके बाद नो बैकग्राउंड पे क्लिक कर दें, नो बैकग्राउंड, उसके बाद ओके पे क्लिक करें, तो पहले की तरह आपका पेज ब्लैंक पेज विदाउट बैकग्राउंड आ जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा लेआउट का, स्विच पेज ओरिएंटेशन, पेज सेटअप एंड पेज बैकग्राउंड का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं कोरल ड्रॉ 11 के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।